सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ना बदलो खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास तुम्हें भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। शिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी भी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। आज का पंचांग 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 12:41 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 4:25 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:33 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और ऐश्वर्य तुला राशि पर रहेंगी। मेरा से 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार, आप आज आत्मविश्वास से भरे हैं और यह बात आपकी भाव गंभीरता और नजरिए से साफ झलक रही है। आज हर कहीं आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और अपनी छाप छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण बिजनेस बैठकों में आपके मुताबिक निर्णय होंगे। अगर स्थितियां आपके पक्ष में नहीं भी दिख रही तब भी आप उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। अपनी हिम्मत और साहस बनाकर रखना बेहतर परिणाम हासिल करेगा। दोपहर बाद परिस्थितियों में अप्रत्याशित सुधार आएगा, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। किसी पारिवारिक उत्सव में जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। अपने काम के प्रति ध्यान ना देना और काम को वक्त पर ना निपटाना आपके लिए तकलीफदायक होगा, जो केवल आपकी समस्याएं बढ़ाएगा। आपके क्षमता से अधिक जिम्मेदारी आपको करने की वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। काम से जुड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी, फिर भी आपका मन मौज मस्ती में लगा रहेगा। काम को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। रिलेशनशिप के प्रति कोई एक निर्णय लेकर उसी पर ही कायम रहना आपके लिए मुश्किल होगा। गलत जीवन शैली की वजह से अलग अलग तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। सावधानियां, बच्चों की नकारात्मक गतिविधि की पता चलने से तनाव रहेगा, परंतु समस्या को गुस्से के बजाय धैर्य और संयम से सुलझाने का प्रयास करें। कहीं पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी भी सुनिश्चित कर लेंगे तो उचित रहेगा, अन्यथा पैसा फंस सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव होने की आशंका है, ध्यान रखें। आज आप भावनात्मक रूप से आक्रामक मूड में हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात आपकी भावनाओं को भड़का दे और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठे जिसका कोई तुक ना बनता हो। आज आप छोटी छोटी खुशियों और किसी की सहायता को भी बड़ी बात मानेंगे। आपके पार्टनर को भी आपकी सॉफ्ट साइड दिखाई देगी। वैसे इस मूड में आप कभी कभार ही होते हैं, इससे आपके पार्टनर को आश्चर्य तो होगा लेकिन संबंध में मजबूती ही आएगी। बात करते हैं करियर की। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। यह धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखें कि एकता में बल है, इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। अपने व्यवसाय से संबंधित फाइलें व कागजात सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। ध्यान रखें कि रिलेशनशिप संबंधित कार्य में थोड़ी सी लापरवाही संबंधों को खराब कर सकती है। नौकरी में टारगेट को पूरा करने के लिए
दबाव बना रहेगा, जिसकी वजह से काफी तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपकी त्वचा सूखी और बेजान सी लग रही है, ऐसा केवल बदलते हुए मौसम के कारण ही नहीं बल्कि आपकी शरीर के अंदरूनी कारणों के कारण भी हो रहा है। आप कई चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं। अपने खाने में खूब विटामिन सी और ई शामिल करें, खूब सारा पानी पिए, अपने रोज के कार्यक्रम में अभ्यास को शामिल जरूर करें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।